नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सेवक में। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद पांडे जी की। मिलिंद पांडे जी से हम बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं उनका एक छोटा सा सफरनामा। आपने देखा किस तरीके से मिलिंद पांडे जी संघ के प्रचारक हैं, स्वयं सेवक हैं, और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को एक नई दिशा दी है। उनसे बातचीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। आपने इतना लंबा समय बिताया, समाज सेवा की प्रेरणा या आपको संघ का काम करना है, ये कहाँ से मिली? हम तो बाल्यकाल से ही स्वयं सेवक है। इंदौर में मैं स्वयं सेवक बना, हालांकि मेरा जन्मस्थान नागपुर है और घर भी नागपुर रहा है, मगर बने स्वयं सेवक इंदौर में। तो संघ का संस्कार हमारी ये तीसरी पीढ़ी घर में है स्वयं सेवकों की, तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक है विषय इस तरीके से आगे बढ़ना। बड़ा समय लगाना पड़ता है, तन मन धन से सेवा करनी पड़ती है, और आसान काम नहीं है संघ का काम करना। मगर लाखों स्वयं सेवक तो बहुत स्वाभाविक रीति से ये काम करते हैं, इसमें कोई विशेष मान्यता नहीं है। अपना कर्तव्य भी है और संघ के संस्कार ऐसे ही कि अंदर से प्रेरणा जगती है, यही संघ की महत्ता है। और संघ में तो हम शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सबकी कथाएं तो बताते हैं, मगर सामान्य स्वयंसेवकों के भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ राष्ट्र, धर्म, समाज के लिए दांव पर लगा दिया है। तो संघ के कार्यकर्ता ही स्वयंसेवक ही प्रेरणा देते हैं ऐसे सारे कार्यों के लिए। आप विश्व हिंदू परिषद का कार्य देख रहे हैं, आमतौर पर ऐसी धारणा है, ऐसा माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद एक कट्टर संगठन है और जो दूसरे आयाम है संघ के उनसे कुछ हटकर है, कैसे ही है? संघ विचार लेकर ही यह संगठन शुरू हुआ है, पूजनीय गुड़वलकर गुरु जी की प्रेरणा से स्थापित हुआ है। तो संघ विचार के ऊपर आधारित तो है ही, और इसके नाम में ही हिंदू है, तो हिंदू नाम लेकर हम काम कर रहे हैं सीधा सीधा। और विश्व भर के हिंदू समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जीवन मूल्यों की रक्षा करना, जैसा कि कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज की रक्षा के लिए एकदम प्रथम पंक्ति में खड़ा रहना चाहिए जी। जब विश्व हिंदू परिषद स्थापना हुई तो ये निश्चय हुआ उस समय, तो इसलिए इसको कोई कट्टर कहेगा तो कहेगा, मगर हम अपने जीवन मूल्यों के लिए खड़ा रह रहे। विश्व हिंदू परिषद का कार्य किसी के विरुद्ध नहीं है, मगर एकदम अनअपोलोजेटिकली बिना कोई माफी मांगते हुए हम हिंदुओं के लिए खड़े हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही, किसी के विरुद्ध नहीं है, अपना कार्य हमें करना है। आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन को शुरू किया था, राम मंदिर निर्माण का लक्ष्य आपने हासिल कर लिया, भूमि पूजन हो चुका है, अब आगे क्या गतिविधियां रहने वाली हैं? अभी तो मुख्य रूप से यह जो इतना बड़ा विषय प्रारंभ हो गया 5 तारीख को, यानी कार्यारंभ का वह शुभारंभ था, भूमि पूजन उसी के निमित्त था, तो यह मंदिर अभी पूर्ण करना जल्दी से जल्दी यह एक बहुत बड़ा काम है जी। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 वर्षों में भगवान गर्भगृह में बैठे हुए हमको दिखाई देंगे, तो दर्शन के योग्य तो स्थितियां बन जाएगी जी। बाकी फिर मंदिर का काम चल भी सकता है क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। अभी यह एक पक्ष है। दूसरा है कि यह कार्य के साथ तो विश्व हिंदू परिषद 1984 में जुड़ा जी, बिल्कुल, मगर उसके पहले से 64 से हम काम कर ही रहे हैं। तो समाज का उत्थान, जीवन मूल्यों की रक्षा, हिंदुओं के ऊपर जो आक्रमण के बिंदु है उससे हिंदू समाज की मुक्ति, ये विषय तो लगातार बने हुए हैं। आज अपना कार्य 29 देशों में विश्व में फैला हुआ है जहाँ जहाँ हिंदू रहता है। तो अपनी कल्पना है कि जो हिंदू बाहर रह रहा है वो यहाँ का एम्बेसडर बन के, हिंदू संस्कृति का ध्वजवाहक बन के वो रहना चाहिए, और इससे जीवन मूल्य कैसे प्रतिष्ठित होंगे, उनके प्रचार की व्यवस्था कैसे होगी, यह एक बहुत बड़ा काम का पक्ष है जी। और क्योंकि हिंदू संस्कृति का पहले भी जो प्रचार प्रसार हुआ धर्म का, वह हिंसा के आधार के ऊपर नहीं हुआ। हमारे जो पूर्वज पूर्ण विश्व में फैले तो अपने जीवन के आदर्श से उन्होंने अपने तत्वज्ञान का प्रचार किया, आज भी वही होगा अध्यात्म प्रेम से। बिल्कुल, यह एक है अपना अध्यात्म, तो आत्मा ही है हिंदू संस्कृति का, उसको आधार लेकर ही चलेंगे। मगर विज्ञान, कला, ऐश्वर्य सब में, बल सब में हिंदू सर्वश्रेष्ठ था, तो उसके साथ ही यह सब कुछ होगा ऐसा होने के बाद। तो यह एक पक्ष है कि जिसके तरफ ध्यान देना है।
दूसरा है कि आज भारत का विभाजन भी हुआ तो हिंदुओं की आबादी भारत के अमुक क्षेत्र में कम हो गई, इसीलिए हिंदू कटा, देश बटा, ये सब कुछ हुआ। जी तो इससे आज वो धर्मांतरण का संकट आज भी है। लगभग 4 राज्य 2 यूनियन टेरिटरीज प्रैक्टिकली हिंदू माइनॉरिटी की ओर गई है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और केरल की भी स्थिति लगभग वैसी ही हो रही है। तो यह धर्मांतरण एक बहुत बड़ा संकट है। जी विश्व हिंदू परिषद का तो घोष वाक्य ही है, धर्मो रक्षति रक्षिता, तो धर्म की रक्षा। तो जो अपना धर्म छोड़कर किसी भी कारण से, प्रलोभन है, डर है, ना समझिए, जो भी गए पहले, तो ऐसे जो भी लौटना चाहते उनका स्वागत करना, उनको फैसिलिटेट करना वापस वो तो आना, एक बात हुई, लेकिन उसके लिए और करना जो जो जा रहे उनको रोकना। जी क्या, कैसे कदम, क्या कदम उठा रहे हैं उसके लिए? उसके लिए तो समझाने का विषय, रोकने का अर्थ है समझाना, जी क्योंकि आज लगभग ऐसा अनुमान है कि 65,000 ईसाई मुसलमान संगठन हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए काम कर रहे हैं देश भर में। जी बहुत बड़े प्रमाण में विदेश से धन आता है उनके लिए। तो सरकारी तौर पर भी ये प्रयत्न हो रहा है। मुझे लगता है कि जो ऐसे गलत व्यवहार कर रहे हैं तो FCRA के माध्यम से उसकी निगरानी करते हुए उनके ऐसी गतिविधि रोकना, ये हो भी रहा है और होना भी चाहिए, जी क्योंकि इससे इंटरनल सिक्योरिटी के, देश विभाजन की ओर जाने वाली अनेक तरह की परिस्थितियाँ निर्माण होती है। फिर अपना समाज की 1500 साल के संघर्ष में अपने समाज में भी कुछ दोष आए हैं आचरण के, हम तत्वज्ञान से थोड़े दूर हट गए, तो वह दोष दूर करना, छुआछूत जैसे विषय आए हैं, अन्य भी विषय आए, तो प्रबोधन करके अपने तत्वज्ञान के निकट समाज को पुनः लाना, जी तो हमारा दोष, हमारा समाज पूर्णतः निर्दोष बने, यह कार्य का एक बड़ा हिस्सा है। दूसरा, इस संघर्ष के कालखंड में संस्कार की व्यवस्थाएं भी टूट गई है। हमारी मंदिर व्यवस्थाएं, हमारे पुजारी हैं, अन्य सारे संस्कार की व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई है। ये व्यवस्थाएं यदि हम व्यवस्थित करेंगे तो फिर संस्कारों का दृढ़ीकरण होगा, और देख फिर जी सेवा, यानी आज विश्व हिंदू परिषद 1 लाख से ज़्यादा सेवा कार्य कर रहा है। जी तो अपने समाज का जो गरीब तबका है, कि जिसको प्रलोभन देकर, ना समझी में जिनको बहकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, वहाँ पे हमको सेवा का भी पक्ष, क्योंकि वो हमारा दायित्व है। मिलिंद जी, तो आपने कहा लोगों को सेवा कार्य से जोड़े रखने का, जागरूक करने का, धर्मांतरण की आपने बात कही थी, जो लोग चले गए उनको वापसी लाने के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? अभी मुझे लगता है लाखों लोग पिछले अनेक वर्षों में ईसाई और मुसलमान पुनः अपने हिंदू धर्म में, पूर्वजों के धर्म में वापस आए हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण बताना है तो ब्यावर के क्षेत्र में जो राजपूत मुसलमान बन गया, वो लाखों की संख्या में वापस आया है। भील समाज है कि जो ईसाई बनाया गया, बहका कर बांसवाड़ा, पूर्ण डूंगरपुर, बाद में उदयपुर, ये सारे क्षेत्र का, वो भी लाखों की संख्या में वापस आया। ऐसे पूर्ण देश भर में हुआ है। तो यह जो आना चाहते हैं उनका स्वागत करना, समाज में उनकी स्वीकार्यता बनाना एक बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है कि भ्रमजाल यदि हम दूर कर देंगे, ईसाई मिशनरियों का काम तो पूतना जैसा है, बाहर सेवा का सुंदर चेहरा है मगर अंदर तो विष भरा हुआ है। आज मुझे लगता है कि वायलेंस की बात सब लोग करते हैं जी मगर रिलीजियस कन्वर्जन इज द बिगेस्ट वायलेंस इन दिस कंट्री, क्योंकि आप एकदम अप्रूट कर रहे हैं सबको अपने संस्कृति से, अपने दूर पूर्वजों करने का से, काम कर रहे ये हैं। बहुत बड़ा वायलेंस है, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसको रोकना भी चाहिए। आपने एक महत्वपूर्ण बात और कही कि विध्वंस की बात की, मंदिर विध्वंस की। अभी 2 दिन पहले अपने एक नेताजी का हमने बयान सुना था कि शुरुआत है अयोध्या से, काशी और मथुरा वहां पर भी जो अगले एजेंडे में है, क्या विश्व हिंदू परिषद भी उस तरफ देखता है? मुझे लगता है हिंदू समाज के एजेंडे पे तीनों मंदिर पहले से ही थे, आज भी है। एक मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो जाएगा, वो पूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए, फिर हिंदू समाज तो तय करेगा ही क्या क्या करना है। उसके लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं आप? हिंदू समाज तो तैयार है। तो नहीं, नेतृत्व तो आप लोगों ने करना है, विश्व हिंदू परिषद ने करना है। मुझे लगता है कि जैसा हिंदू समाज का जो एजेंडा होगा, हिंदू समाज के लिए विश्व हिंदू परिषद आप इशारों इशारों में काफी कुछ कहना चाहते है। हैं। ठीक है, क्या संदेश आप कार्यकर्ताओं को हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि पूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी ऐसा केवल और केवल हिंदू चिंतन है। कम्युनिस्ट चिंतन, ईसाई चिंतन, मुस्लिम चिंतन जड़वादी है, और इसलिए इस चिंतन को यदि विश्व ने स्वीकारना है तो
तो उसके लिए भारत को बहुत प्रबल करके खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इस विश्व में कमजोरी की पूजा कोई नहीं करता है, अपयश की पूजा कोई नहीं करता है, गरीबी की पूजा कोई नहीं करता है। सादगी और गरीबी में बहुत बड़ा अंतर है जी। और इसलिए हिंदू चिंतन को सामर्थ्यशाली, यशस्वी, ऐश्वर्यवान ऐसा खड़ा करके दिखाना पड़ेगा, और वह खड़ा करना पड़ेगा पहले भारत में। तो उसके लिए हिंदू संगठन, हिंदू विचारधारा को प्रतिष्ठित करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए मुझे लगता है कि केवल एक संगठन नहीं, तो धर्म के हर अनुयायी ने हिंदू का कार्यकर्ता बनने की ज़रूरत है। आप संगठन के कार्यकर्ता बनो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर अपने धर्म का, अपने समाज का, अपने संस्कृति का संवाहक बनने के लिए हर एक ने उस स्पिरिट से करना चाहिए। जैसा अभी चाइनीज वस्तु है, उसका हमने ये करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। हमारे हर सीमा के ऊपर चीन की सेना खड़ी है। आज हमारे, हमको जो देश घेर रहे वहाँ पर उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए, आज हमको धमका रहा है, हमारे सैनिकों की हत्या हुई है। हालांकि हमारे सैनिकों ने अधिक लोगों की हत्या उनकी कर दी है, तो युद्ध में तो हम ही जीते हैं जी। तो आज ऐसे परिस्थिति में चाइनीज वस्तुओं के मोह से पीछे हटना पड़ेगा, भले ही वो अच्छी होगी। और इसलिए इस तरह का राष्ट्रीय चरित्र की बहुत आवश्यकता आज समाज में है। आज हिंदू व्यक्तिगत चरित्र में तो अच्छा है, मगर समाज हित में, राष्ट्र हित में, व्यवहार में उसकी कमी है। तो ये राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय स्वाभिमान जागेगा, जिसका प्रतीक श्री राम जी का जन्मभूमि का मंदिर भी है जी। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मिलिंद परांडे जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश कार्यकर्ताओं को दिया कि वो समाज और देश के चरित्र निर्माण के लिए आगे आए, किसी संगठन से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन देश की चिंता करें, एक धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक बने। साथ में ये उन्होंने साफ कहा कि जो एजेंडा है विश्व हिंदू परिषद का, उस पर कायम रहेगी संस्था, लेकिन किसी का विरोध नहीं है, अपने आप को मजबूत करना विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।